हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अनंत बैनर्जी इस वक्त अमित शाह के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी मौजूद है, लेकिन अनंत का रुख करेंगे। सबसे पहले अनंत, केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह से मुलाकात की, कहीं अपने आप को रेस में पिछड़ता हुआ देखकर तो ये मुलाकात नहीं की गई? ये बोलना बहुत मुश्किल है, बट ये उनको जब ये सवाल पूछा गया कि अपने आप को आप ये रेस के हिस्सा मानते या नहीं, तो उन्होंने अपने आप को काउंट आउट नहीं किया, तो उनका वो अभी भी अपने आप को रेस के हिस्सा मानते हैं। जैसे कि मनोज सिन्हा ने अपने आप को रेस के हिस्सा नहीं मानते, वैसा नहीं है। पर इस वक्त काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली में, जैसे ना कि सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह से मिले हैं, ओम माथुर जो कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी है वो प्रधानमंत्री से मिले हैं। अभी योगी आदित्यनाथ थोड़े देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि दिल्ली पहुंचे, वो लास्ट मिनट लॉबिंग करने पे जुटे हुए कि ताकि उनको बना दिया जाए। तो बहुत कुछ हो रहा है, हलचल इस वक्त। रुक करेंगे अनंत, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हिमांशु का रुक करना होगा। हिमांशु, क्योंकि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर इस वक्त गतिविधि बहुत तेजी से चल रही है, वहां पर जो घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर, क्या खबरें मिल रही? देखिए, मैं आपको बता दूं श्वेता कि मैं जिस वक्त जहां पे खड़ा हूं वो बीजेपी दफ्तर है, और आप देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के जो समर्थक हैं वो उनके लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं वो भी नारेबाजी कर रहे हैं कि उनके जो नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और जहाँ तक हमारा सूत्रों का सवाल है वो ये कहता है कि मनोज सिन्हा जो है वो शायद मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हो चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस लड़ाई के अंदर हमेशा से जो आता है कि जो दो तीन लोगों की लड़ाई होती है उसमें जो है वो रोटी जो है राजनाथ सिंह की। तमाम जानकारी के लिए आपका अनंत, और हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे लखनऊ और साथ ही दिल्ली से, क्योंकि इस वक्त तीन चेहरों के अलावा एक नया चेहरा भी सामने आ रहा है योगी आदित्यनाथ का, और उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें ही यूपी का सीएम बनाया जाए। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।